सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके पहले के वीडियो में हमने 3 का फर्स्ट सेकंड ये सब बना लिया है, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और ध्यान से समझेंगे कि ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, इसमें क्या है, ठीक है। चैप्टर हमारा है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, ठीक है। समझिए क्वेश्चन क्या है। A fraction becomes 9 by 11। पहले हम लोग समझते हैं स्टूडेंट फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन है क्या। देखिए फ्रैक्शन एक्चुअली में क्या होता है, फ्रैक्शन को समझिए। इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं कि सपोज करो कि मान लो कि ये एक सर्कल है, ठीक है। ये हमारा एक सर्कल है, अगर इसको हम 4 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें, 4 इक्वल पार्ट में, इक्वल होना चाहिए, 4 इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें 4 इक्वल पार्ट में, और हम आपसे पूछें कि बताओ ये जो शेडेड पार्ट है, ये जो हमने शेडेड किया है वो इसका कितना फ्रैक्शन होगा, कितना हिस्सा, तो आप क्या बोलिएगा कि ये पूरा 4 पार्ट में है, 1 2 3 4, जिसमें ये क्या है, ये एक पार्ट है, ये हो गया 1/4। तो 1/4 हमारा क्या हो गया, ये जो कलर जो पार्ट है, शेडेड जो पार्ट हमने किया है, ये 1/4 होगा फ्रैक्शन में। अगर हम इसको फ्रैक्शन में बोलेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें और भी हम दो कलर कर दें इस तरह से, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 4 भाग है, उसमें 2 भाग कलर किए तो ये 2/4, फिर इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/2, मतलब आधा। तो देखो ये आधा हो गया, 1/2 पार्ट हो गया, ठीक है। अगर हम इसको 3 पार्ट कलर कर दें तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 3/4। तो फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन एक टुकड़ा होता है, एक भाग होता है, ठीक है, टोटल का एक हिस्सा। अब बोलता है अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, तो यहाँ पे देखिए ये जो 9/11 है कुछ इसी फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे जो ऊपर में होता है इसको न्यूमरेटर बोला जाता है और नीचे जो लिखा हुआ रहता है ये डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको सबको पता है ये न्यूमरेटर है और ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। तो ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पे समझिए क्या कि आ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में होता क्या, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो यहां लेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी वाई, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कितना ऐड करने बोला, 2 ऐड करने बोला है, तो न्यूमरेटर हमारा x है तो x प्लस 2 बाय y प्लस 2, डिनोमिनेटर y है तो दोनों में प्लस 2 कर दिए, 2 ऐड कर दिए, तो फ्रैक्शन जो हमारा हो जाएगा वो 9/11 हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 11x हो जाएगा प्लस 11 2 22 हो जाएगा, और इधर से 9y प्लस 9 2 18 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये हमारा 11x हो गया माइनस 9y इज इक्वल टू 18 प्लस 22 है, उस तरफ चला जाएगा तो माइनस 22 हो जाएगा। तो यहां से हमारा एक इक्वेशन बनेगा, क्या होगा, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, अब 18 में ये 22 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, माइनस 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब क्या बोला,
If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Again, अब कितना ऐड करने बोला है? 3 ऐड करने बोला है. तो कितना था फ्रैक्शन न्यूमरेटर हमारा कितना था x, तो x प्लस 3 बाय डिनोमिनेटर कितना था y, तो y प्लस 3. तो फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाता है 5 बाय 6. तो ये हो जाएगा 5 बाय 6. तो अगर इसको क्रॉस करेंगे तो 6x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस 6 3 जा 18 और ये हो गया 5y प्लस 5 3 जा 15 हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा 6x हो गया प्लस 6 3 जा 18, ये 5y प्लस 15 हो गया. अब यहां से हम लोग इसको 6x प्लस 5y इधर आएगा तो माइनस 5y हो जाएगा और ये हमारा 15 प्लस 18 है उधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा. तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 में 18 माइनस करेंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ये 2 हो गया. ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, इसको ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को. कौन सा मेथड से सॉल्व करना है, तो हम लोग को ये सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन से चलेंगे, तो हम लोग इक्वेशन 1 से चलते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4 है. तो यहां से अगर हम देखेंगे 11x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y हो जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y बाय 11 हो गया. ठीक है, और इस x का वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, फर्स्ट से लिए थे इसलिए 2 में रखेंगे. तो क्या यहां पे 6 है और x के जगह पे कितना हो जाएगा बोलो, माइनस 4 प्लस 9y बाय 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा प्लस 9654 हो जाएगा बाय 54y बाय 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3. इसके नीचे 1 ले लेंगे, एलसीएम हमारा 11 हो जाएगा. ठीक है, तो ये 1 बार में आएगा तो ये माइनस 24 प्लस 54y माइनस 1 11 सा, ये 11 बार में आएगा तो 11 5 जा 55y इज इक्वल टू माइनस 3. ठीक है, तो ये माइनस 24 हो गया. अब देखिए 54y में 55y को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास माइनस y हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 3 जा माइनस 33 आ जाएगा. ठीक है, तो ये माइनस y इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24 हो जाएगा तो माइनस y इक्वल टू माइनस 9 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 9 आ गया. ठीक, अब ये जो हमारा y का वैल्यू आया, अगर हम उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो उससे हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा. ठीक, तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट. तो क्या था, देखो यहां पे ये हमारा 11x है माइनस 9 इनटू y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू माइनस 4. तो ये 11x हो जाएगा माइनस 9 जा 81 हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा तो 11x इक्वल टू माइनस 4 प्लस ये 88 हो जाएगा तो 11x इक्वल टू 88. अब उसमें अगर हम 88 नहीं होगा, यहाँ पे 81 होगा प्लस 2. अब 81 में 4 माइनस करेंगे तो आपका 77 आ जाएगा. तो x इक्वल टू यहां से सॉल्व करने के बाद 7 आ गया. हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, x बाय y तो 7 बाय 9, यही हमारा आंसर होगा.